In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful, the Lord of the mankind, the only owner of the resurrection. This is Ruxana, being here as a mentor for the students of CSS, PMS, and even for judiciary. Students, firstly, I want to tell you that I have started series of grammar and essays in the series of CSS, PMS, and judiciary. It is not completed yet, but we covered it before exams, inshallah. But let me share screen first. Okay. यहाँ हमने एसेस की और एसेस की मैंने और ग्रामर की जो लेक्चर सीरीज़ थी वो स्टार्ट की है. एसेस में मैंने अपने जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसेस करवा चुकी हूँ और बेसिक्स ऑफ एसेस भी करवा चुकी हूँ. जो न्यूली स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे आज ही ज्वाइन किया है या थोड़े दिन पहले ज्वाइन किया है, दे आर फ्रेशर्स, तो उनको मैं ये बता दूँ कि मैं बेसिक्स ऑफ एसेस में डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग करवा रही हूँ. मैं एक मिनट स्पॉटलाइट यूज़ कर लूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो. ये दिस वन डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग करवा रही हूँ. ठीक है, अब हम डायरेक्टली वहाँ पे चलते हैं ताकि दिस इज़ ब्रेनस्टॉर्मिंग इन एसेस. इससे पहले कि मैं आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करवाऊँ, बताऊँ, मैं आपको स्टार्ट में ये चीज़ बताती चलूँ बच्चे के कोई भी ऐसे लिखना हो, तीन काइंड्स के बेसिक एसेज होते हैं जो मैं आपको करवा दूँगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है, इन्फॉर्मेशन गैदर कैसे करनी है, किस तरह से जो है वो आइडियाज़ निकालने हैं. बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है आर्गूमेंट्स जो हैं वो वेरिएबल्स निकालने में. ठीक है, देर आर टू सिंपल मैथड ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग फॉर एसेज, आइदर ऑफ प्रॉब्लमेटिक, आर्गुमेंटेटिव एंड लिटरेरी. यहाँ पे बच्चे आपने इस कन्फ्यूजन में नहीं जाना कि हमें तो आप प्रॉब्लमेटिक का नहीं पता, आर्गुमेंटेटिव और लिटरेरी ऐसे का नहीं पता. जिनको तो पता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता मैं करवा दूँगी, परेशान नहीं होना. बट दो मैथड हैं, मैथड वन एंड मैथड टू यहाँ पर मैंशन हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए, आर्गुमेंट जनरेट करने के लिए. पहले ये जो फर्स्ट वन है, मेथड वन, ग्राउंड्स टू बी केप्ट इन माइंड, ये जो है वो मैं प्रॉब्लमेटिक ऐसे के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है. कल्चरल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, इकोनॉमिक, सोशल, साइकोलॉजिकल, रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल. ठीक है, तो ये पहला मेथड है जो इन एरियाज़ को, इन चीज़ों को, कल्चर को सामने रख के वहाँ से पॉइंट्स निकाल लिए जाते हैं. पॉलिटिकल को, इकोनॉमिक को थोड़ा इजी हो जाता है बच्चे के लिए ना, जब उसे ग्राउंड्स पता हो और फिर इनकी डिटेल पता हो कि ये एक्चुअल में है क्या. अब पूरा कल्चर, कुछ बच्चे कुछ और परसीव करते हैं, कुछ और परसीव करते हैं. इकॉनमी का नहीं पता होता, सोशल में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो नहीं पता होता, साइकोलॉजिकल में क्या आता है नहीं पता होता. तो मैंने ये डिसीजन लिया कि क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे अपने स्टूडेंट्स को देखा था कि वो इस चीज़ में प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो दैट्स वाई आई हैव डिसाइडेड कि मैं उनको ये पैरामीटर्स कवर करवाऊँ ताकि जब वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करें तो उनको पता हो कि हमने किन किन एरियाज़ को कहाँ से वो जो है वो अपने एग्जामिनर को बताना है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, अपना स्टांस कैसे क्लियर करना है. ओके, एंड सेकंड मेथड इज एरिया टू बी केप्ट इन वाइल जनरेटिंग आर्गुमेंट्स. ये आर्गुमेंटेटिव एसे एंड जो लिटरेरी एसे है उसमें ये चीज़ ज़्यादातर यूज़ होती है. ठीक है, जुडिशरी का एरिया में देखा जाता है मीडिया, रिलीजन, टेक्नोलॉजी, इकॉनमी, पॉलिटिक्स, नेचुरल रिसोर्सेज, ये टू टाइम इनकी नंबरिंग हो गई है बट इग्नोर इट. ओके, एजुकेशन सिस्टम, कस्टम एंड ट्रेडिशंस, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट, कॉमन मैन, हिस्ट्री, एक्सटर्नल फैक्टर्स, साइंस, करंट अफेयर, करंट सिनेरियो, ये 16-17 है. दीज आर सफिशिएंट एरियाज जिनको माइंड में रख के आर्गुमेंट जनरेट किए जा सकते हैं. मैंने इसकी आर्गुमेंटेटिव ऐसे में कैसे जनरेट करने हैं और लिटरेरी में कैसे जनरेट करने हैं मैं अपने ओल्ड स्टूडेंट्स को बता चुकी हूँ, बट जो फ्रेशर्स हैं परेशान नहीं हूँ, इंशाल्लाह मैं उनको भी बता दूंगी. ठीक है, मेथड वन में जो चीज़, ये वाली चीज़ मैंने स्टार्ट करवाई, उसमें सबसे पहले जो चीज़ मैंने कवर करवाई वो इकोनॉमिक पैरामीटर करवा चुकी हूँ. उसका लिंक आपको मिल जाएगा जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है. ठीक है, आज जो मैंने किया है वो है पॉलिटिकल पैरामीटर. ठीक है, तो मेथड वन में बिल्डिंग ऑफ आर्गुमेंट इन एसे थ्रू
फॉलोइंग दीज जो पैरामीटर्स हैं, ये मैंने अगेन भी मेथड वन में उनको मेंशन कर दिया, पॉलिटिकली, सोशली, रिलीजियसली, कल्चरली, साइकोलॉजिकली, इकोनॉमिकली एंड हिस्टोरिकली। गौर से सुनिएगा, क्योंकि कहीं पर भी अगर कोई पॉइंट, समटाइम ऐसे होता है मैंने लिखा नहीं होता बट मैं वो बोल देती हूँ, मुझे पता होता है, तो मैं उसको यहाँ मेंशन नहीं करती, क्योंकि इतना मटेरियल मैं एट अ टाइम एक ही जगह पर मेंशन नहीं कर सकती, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी। तो मैं जो चीज़ बोल रही होती हूँ, अगर आप वो आपके पास अपने नोट्स हैं तो आप उनको नोट डाउन करते जाइए, और जो क्वेश्चन हो, कोई एम्बिग्यूटी हो, थ्रू कॉमेंट्स, थ्रू मैसेज मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगी। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट मेथड में मैंने ये इकोनमी करवा ली हुई है, इसको हम इग्नोर करेंगे और हम डायरेक्ट जाएंगे पॉलिटिकल पैरामीटर पे। ओके, तो सेकंड जो पैरामीटर है वो पॉलिटिकल पैरामीटर है। जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने जिनके पास ये ऑलरेडी नोट्स अवेलेबल हैं, जिनको मैंने करवा लिया है, उनके लिए ये है कि वो अपने नोट्स सामने रखें, और उसमें जो चीज़ उनकी मिस हो रही है, जहाँ पर उनको कन्फ्यूजन है, वो यहाँ पे क्लियर कर लें। अच्छा, ओके, पॉलिटिकल पैरामीटर में हम यहाँ ये मैंने इसके निकाले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 हेडिंग्स निकाली हैं। दीज आर सफिशियंट हेडिंग टू अंडरस्टैंड व्हाट पॉलिटिकल पैरामीटर एक्चुअली इज। ओके, तो एक तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, नेचर ऑफ द स्टेट, पॉलिटिक्स में जो आती है, यानी अगर आपका एक हेड एक समझ आ रहा है, सपोज कि आप डेमोक्रेसी पर ऐसे कर रहे हैं, आप करप्शन पे कर रहे हैं, अगर वो प्रॉब्लमेटिक है, या इकोनॉमी पे कर रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि मैंने पॉलिटिकल पैरामीटर से अपने आर्गुमेंट जनरेट करने हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ऑल ओवर द कंट्री, डिफरेंट वो कंट्रीज़ का भी पता होना चाहिए, ठीक है, कि उसमें फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, नेचर ऑफ द स्टेट क्या है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एक्चुअली हमारी क्या है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कौन से हैं, पॉलिटिकल कल्चर कौन सा है, और ऑर्गेनाइजेशन, सोशलाइजेशन एंड पॉलिटिकल प्रोसेस। ओके, तो इसकी डिटेल में जाते हैं, टाइम जो है वो वेस्ट किए बगैर। ओके, डिटेल ऑफ पॉलिटिकल पैरामीटर, फर्स्ट वन जो है आप इस तरह से करें, जो फ्रेशर्स हैं वो अपना रजिस्टर सामने रख के, वैसे ही आपको मिल जाएगा लेक्चर, आप दोबारा रिपीट करके भी जो पॉइंट आपके मिसिंग है आप वो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, लेकिन साथ साथ अपना अगर नोट डाउन करते जाएँ तो वो भी गुड है, और कहीं पर एम्बिग्यूटी हो तो क्वेश्चन भी लिखते जाइएगा, मैं एंड पे आंसर्स दूंगी सबके, ठीक है। फर्स्ट वन है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पहले व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री इज एक्सपीरियंसिंग। ओके, इज इट इज़ आइदर प्रेजिडेंशियल, पार्लियामेंटेरियन, किंगशिप सिस्टम, डिक्टेटरशिप और एनी अदर फॉर्म। और एनी अदर फॉर्म में जैसे कन्फ्यूशिज्म है, कम्युनिज्म है, कैपिटलिज्म है, कुछ भी, ठीक है, वो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया बट मैं बोल रही हूँ, तो आप लोग जो है वो नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब जैसे प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूएसए के अंदर है, आप सबको पता है कि अमेरिका के अंदर प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। पाकिस्तान और इंडिया, मैंने यहाँ इंडिया मैंशन किया है, पाकिस्तान मैंशन करना भूल गई हूँ, पाकिस्तान और इंडिया, सॉरी, इंडिया और पाकिस्तान दोनों में, या और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनमें पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। किनशिप सिस्टम अरब कंट्रीज़ में है, ब्रुनेई में है, या अरब कंट्रीज़ के अलावा अगर हम देखें तो ब्रुनेई में, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनमें किनशिप सिस्टम स्टिल चल रहा है। डिक्टेटरशिप बहुत सारी कंट्रीज़ में आई, मिस्र में आई, पाकिस्तान में आई, और भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर डिक्टेटरशिप रही। अगर आप हिस्ट्री को अनफोल्ड करें तो आपको इसके जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता हो कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अगर आप जो अभी मैंने पैराग्राफिंग नहीं करवाई, अगर कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट पैराग्राफ आप लिखते हैं और उसमें आपने कंपेयर करना है, तो आपको पता होना चाहिए फॉर्म, अगर पॉलिटिकल में अगर आप समझते हैं कि कोई ये प्रॉब्लम है कि अगर हम पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट हमारे जो उसमें वर्किंग है वो डिक्टेटरशिप वाली है, तो आप ये प्रॉब्लम निकाल सकते हैं कि तब तक हमारी गवर्नेंस, हमारा जो है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, जो हमारी गवर्नमेंट है वो अच्छा लीड नहीं कर सकती जब तक वो एक डेमोक्रेटिक जो है लेआउट को लेकर नहीं चले, ठीक है। फिर कंपेयर करें उसको, जैसे इंडिया के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं, यूके के साथ कंपेयर कर सकते हैं, बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं तो उनके साथ आप कर सकते हैं। सेकंड वन इज़ नेचर ऑफ द स्टेट, ठीक है।
अब जैसे फेडरल फॉर्म ऑफ है, यूनिटेरी है, प्रोवेंशियलिज्म है, ट्राइबल है, कंटोनमेंट एरियाज हैं, ये प्रिंसली स्टेट्स हैं। अब देखिए, प्रिंसली स्टेट इंडिया में है, अभी भी है। कश्मीर का स्टेटस उन्होंने ख़त्म कर दिया है, जम्मू एंड कश्मीर का रिसेंटली, और जो है ना वो अभी अभी उनकी बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स हैं। इस तरह से पाकिस्तान की भी ख़त्म हो चुकी हैं, और भी बहुत सारी ऐसी, जैसे आप ये कर लो यूएसए की ले लो, 51 स्टेट्स हैं। तो वहाँ पे ये है कंटोनमेंट एरियाज जैसे होते हैं बहुत सारे ऐसे, कि वो जो जो है ना फौजियों के अंडर, या कर लो के अलहदा एक ऐसे एरियाज हैं जो कि गवर्नमेंट के अंडर नहीं होते, फेडरल जो है वो एक उसके फेडरल के अंडर काम नहीं कर रहे होते। इस तरह ट्राइबल एरिया, जैसे पाकिस्तान में ट्राइबल एरियाज थे, अब तो वो खैबर पख्तूनख्वा में ऐड हो गए हैं, लेकिन इससे पहले जो था वो ट्राइबल था, उनके अपने जिरगा सिस्टम था, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, तो वो उसको फॉलो करते थे, बट अब नहीं है। प्रोवेंशियलिज्म, सुबाहियत हो, जैसे कि डिफरेंट जो कंट्रीज हैं और उसमें वो सूबों का को प्रॉपरली एक फुल होता है, वैसे तो स्ट्रॉन्ग जो है डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए जो है वो इख्तियारत होने चाहिए सूबों के पास, लेकिन समटाइम ऐसे होता है कि फेडरल का इतना ज़्यादा नहीं होता, ज़्यादा जो सब्जेक्ट्स हैं वो प्रोवेंसीज के पास होते हैं। तो ये हो या यूनिटेरी है, कोई एक जो है वो उसमें दोनों का मिक्सचर है, फेडरल का एंड प्रोवेंशियल का, और उसमें जो है वो वर्किंग हो रही है, तो वो यूनिटेरी होता है, फेडरल फॉर्म है। तो आपको, अब पाकिस्तान एक फेडरल फॉर्म है, उसमें सूबाई सूबों को भी इख्तियारात हासिल हैं, तो ज़्यादा जो सब्जेक्ट्स हैं वो फेडरल के पास हैं, उससे जो कम सब्जेक्ट्स हैं वो प्रोविंसेस के पास हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, किसी भी कंट्री को पूरी दुनिया, थ्रू आउट द वर्ल्ड आपने अगर कंपैरिजन करना है, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया बट स्टूडेंट्स मेरे मेरे जहन में आ रहा है, तो इसलिए मैं आपको बताती चलूँ, जहन आप भी नोट डाउन कर लीजिए कि जो कंपैरिजन करना है वो तीन तरह से होता है। एक तो सुपर पावर के साथ कंपैरिजन करना है, सुपर पावर में जैसे अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, यूके है, इस इन कंट्रीज के साथ कंपैरिजन होता है। उसके बाद जो कंपैरिजन करना है आप लोगों ने बच्चे, वो आपने जो मुस्लिम स्टेट्स लेनी है, मुस्लिम ब्रदरी स्टेट्स, जैसे टर्की है, इंडोनेशिया है, इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं जिनके बॉर्डर तो हमारे साथ नहीं मिलते बट वो हमारी मुस्लिम ब्रदरली कंट्रीज़ हैं। फिर नेबरिंग कंट्री थर्ड नंबर पर आती हैं, चाइना है, ईरान है, पाकिस्तान, इंडिया है, अफगानिस्तान है, तो ये जो कंट्रीज़ हैं ये नेबरली कंट्रीज़ हैं, तो उनके साथ कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो ये तीन बेसिक कंट्रीज़ आप कोई भी उठाएँ किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप ऐसे लिख रहे हैं या आप करंट अफेयर का कोई टॉपिक लिख रहे हैं या वट एवर आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं या कुछ भी है, तो उसका, इन तीनों का पाकिस्तान के साथ आप कंपैरिजन कर सकते हैं, इन एनी मैटर, इन इकोनॉमी, इन एजुकेशन, इन करप्शन, इन गवर्नेंस, आप कोई भी टॉपिक जिसके ऊपर आप लिख रहे हो तो आप कंपैरिजन कर सकते हो। ओके, लेट्स गो अहेड। उसके बाद है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, ठीक है। अब पॉलिटिकल आइडियोलॉजी तीसरे नंबर पर है, कि आइडियोलॉजी क्या होती है। आइडियोलॉजी का मतलब होता है कि एनी कंट्री, वो सेकुलर है, प्लूरिस्टिक है या मॉडर्न है। तीन तरीके हैं, सेकुलर है, प्लूरिस्टिक है, या फिर मॉडर्न है। अब यहाँ पे जो सेकुलर का मतलब मैंने दिया है, मैंने क्या दिया, इसका मतलब जो बनता है वो न्यूट्रल इन मैटर ऑफ रिलीजन, सपोर्टिंग नाइदर रिलीजन नॉर इररिलीजन। यानी सेकुलर कंट्री वो कंट्री होती है जो रिलीजन के मैटर में न्यूट्रल होती है। वो ये नहीं कहती कि हमें या तो फुली रिलीजियस होना चाहिए या फुली जो है ना वो इरिलीजियस होना चाहिए। कि जैसे आप ये कह लो कि जब पाकिस्तान की इंसेप्शन हुई थी, पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उसके बाद आफ्टर 12 ईयर हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन आया, और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन आने की जो एक टसल थी, जो 12 ईयर चलती रही, उसमें यही था कि जो एक विंग था वो ये कहता था कि इसको फुली क्योंकि ये इस्लाम के नाम पर आज़ाद हुआ है, तो दैट्स वाई इसको फुल इस्लामिक होना चाहिए, रिलीजन पर बेस करना चाहिए। एंड एक विंग ऐसा था जो कहता था नहीं, हमें सेकुलर होना चाहिए, हमें रिलीजन को के मैटर में न्यूट्रल रहना चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से फिर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1956 का, वो आफ्टर 12 ईयर आया, तो हम इतने जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में हमें इतनी लेट हुई, जिसके सरकमस्टांसेस और जिसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो हम आज तक फेस कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वन प्लूरिस्टिक, लाइक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, हो पर्सन सेंटर्ड वैल्यू हो, लोगों को ज़्यादा वैल्यू दिया जाए, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, रेस पर, क्रीड पर, रिलीजन पर, लैंग्वेज पर, किसी चीज़ में भी ना हो, ठीक है। या फिर मॉडर्न न्यू वे ऑफ थिंकिंग,
एक नए पैरामीटर्स को, एक नए चीज़ों को, एक नए जो ऑर्डर है उसको फॉलो किया जाए, ना ही तो सेकुलर हो, ना प्लूरिस्टिक हो, ट्रेडिशनल ना हो, कुछ भी ना हो, नए जो न्यू वे आ रहे हैं थिंकिंग के, डिजिटल को सामने रख के, फिफ्थ जनरेशन को सामने रख के, जो एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी की हो रही है उसको सामने रख के, नए वर्ल्ड ऑर्डर को सामने रख के, उसमें जो भी चीज़ें हैं वो अडॉप्ट कर लेनी चाहिए। तो आपने ये देखना है कि हमारी कंट्री की क्या अप्रोच है, क्या आइडियोलॉजी है, ये सेकुलर है, प्लूरिस्टिक है, मॉडर्न है, क्या है। तो बीइंग ए सीएसएस स्टूडेंट आपकी इतनी अप्रोच और आपका इतना विजन होना चाहिए। ओके क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, आपको बच्चे पता होना चाहिए बीइंग ए स्टूडेंट्स के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं। तीन बेसिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। ठीक है, अब जुडिशरी में डिफरेंट कोर्ट्स आ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोकल कोर्ट्स, फैमिली कोर्ट्स, और उसके बाद स्पेशल कोर्ट्स है। मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर, ठीक है। अब मुझे तो पता है, आप लोगों को अंडरस्टूड है, किसी के बच्चे को अगर नहीं पता तो वो लिखता जाए साथ में, क्योंकि मैंने पहले भी स्टार्ट में बताया है, बच्चे मैं इतनी सारी चीज़ें एट अ टाइम नहीं लिख सकती, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी। ओके, नेक्स्ट वन एग्जेक्टिव है, जिसमें प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर सॉरी, और उसकी कैबिनेट आ जाती है, ये एग्जेक्टिव विंग होता है। ठीक है, उसके बाद लेजिस्लेटिव है, लेजिस्लेटिव में दो असेंबलीज आती हैं, एक बाई कैमरल लेजिस्लेचर है हमारी पाकिस्तान की, जिसमें टू हाउसेज हैं, नेशनल असेंबली और सेनेट। ठीक है, ये है लेजिस्लेचर जो कि कानून बनाती है। अब जो जुडिशरी है उसका काम होता है इम्प्लीमेंट करना, लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाना, जो उसको एग्जेक्टिव है उसका होता है कि उसको आगे जो है वो लेकर चलना है, जुडिशरी उसको इम्प्लीमेंट कराती है। ये तीनों जो विंग्स हैं इनका फर्स्ट वन इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, दूसरे सेपरेशन ऑफ पावर्स होना ज़रूरी है, लेजिस्लेटिव एग्जेक्टिव में इंटरफेयर नहीं करे, एग्जेक्टिव जुडिशी में नहीं करे, जुडिशी इन दोनों में नहीं करे। ठीक है, तो तभी एक स्ट्रॉन्ग नेशन की बेस बनती है। अगर आप गवर्नेंस में, गुड गवर्नेंस में आप एक हेडर बनाए तो उसमें ये बड़ा खूबसूरत हेडर बनता है, सेपरेशन ऑफ पावर्स या फिर इंडिपेंडेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, स्ट्रेथनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, तो ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि स्ट्रोंग होने चाहिए। इसके लिए एक बुक है बड़ी ज़बरदस्त है, वाई नेशन फेल्स, तो उसमें जो ऑथर है उसने बड़े अच्छे तरीके से बताया है, कंपैरिजन करके उन कंट्रीज़ का जिनके इंस्टीट्यूशंस बड़े स्ट्रोंग थे और वो आज भी डिवेल्प्ड हैं, दे आर प्रोग्रेसिव, दे प्रॉस्पिरिटी है वहाँ पे, और दे आर सिविलाइज्ड इवन, और जो कंट्रीज हैं उनके इंस्टीट्यूशंस बहुत वीक थे तो वो अंडर डिवेल्प्ड हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में शामिल होते हैं, तो इंस्टीट्यूशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, लेट्स गो अहेड। नेक्स्ट हम हेडिंग है वो है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस। ये क्या होती हैं? प्रेशर ग्रुप। कुछ ये ऑर्गेनाइजेशन, ये वो ग्रुप्स होते हैं, जैसे प्रेशर ग्रुप है, लॉयर्स का ग्रुप है, पुलिस डिपार्टमेंट है, स्टूडेंट्स का ग्रुप है, ट्रेड यूनियन है, बिजनेस कम्युनिटी है। ये फ्यू एग्जाम्पल्स, दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स के ये क्या करते हैं, इनका क्या काम होता है। इनका काम ये होता है कि ये प्रेशर बिल्ड करते हैं किसके, गवर्नमेंट के, किस चीज़ के लिए, पॉलिसीज़ बनाने के लिए, लाइक जैसे फॉरेन पॉलिसी है या नेशनल पॉलिसी है या इकोनॉमिक पॉलिसी है या कोई भी इनके इंटरेस्ट के हिसाब से कोई पॉलिसी है, जैसे स्टूडेंट्स हैं तो कोई भी एजुकेशनल पॉलिसी बनती है तो उसमें उनका बड़ा इंटरेस्ट होता है, जैसे बिजनेस कम्युनिटी है तो कोई इकोनॉमिक या ट्रेड की, इंपोर्ट की, वट एवर एक्सपोर्ट की, कुछ भी ऐसे ड्यूटीज़ कस्टम्स लगते हैं तो उनका बड़ा इंटरेस्ट होता है, लॉयर्स का बड़ा इंटरेस्ट होता है कि, और ये प्रेशर बिल्ड करते हैं गवर्नमेंट के ऊपर जब पॉलिसीज बनती हैं कि उनके जो इंटरेस्ट हैं उनको मद्देनज़र रखा जाए, फिर गवर्नमेंट क्या करती है कि वो इनके इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखती है, क्योंकि अगर वो इनके इंटरेस्ट को मद्देनज़र नहीं रखती तो फिर एक अनार्की पैदा होती है कंट्री में, जो कि अच्छी नहीं होती फॉर पीसफुल इन्वायरमेंट। क्लियर, तो ये इनको पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जब आप आर्ग्यूमेंट जनरेट करते हैं तो इन चीज़ों को भी जेन में रखना है। क्लियर, नेक्स्ट है पॉलिटिकल प्रोसेस, यानी हाउ पॉलिटिकल एंटिटीज आर इलेक्टेड। अब एंटिटीज का यहाँ पे मैंने मतलब लिख दिया है MNAs एंड MPs, लाइक जो लीडर इलेक्ट होते हैं कि वो किस तरह से इलेक्ट होते हैं, डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होते हैं, डिक्टेटोरियल वे से होते हैं या मोनार्कियल वे से होते हैं। डेमोक्रेटिकली कि यानी वो जाते हैं और जाके
जो है वो लोगों से वोट मांगते हैं, उनकी उनकी विल को देखते हुए, उनकी उनके वोट को अहमियत देते हैं। फ्री विल से लोग उनको वोट देते हैं अपनी फ्री चॉइस से, किसी किस्म की कोई फोर्स, किसी किस्म का कोई स्ट्रेस, कोई फ्रस्ट्रेशन, कोई डिप्रेशन नहीं होता उनके ऊपर, ठीक है। तो डेमोक्रेटिकली, क्योंकि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, वो तो लोगों का ही राज होता है, ठीक है। डिक्टेटरली सॉरी, उसमें ये कि फोर्स इम्पोज की जाती है, प्रेशराइज किया जाता है कि नहीं जी इसको देना है। और ओके स्टूडेंट्स, अगर ड्यूरिंग जो है वो लेक्चर हो जाती है, रिकॉर्डिंग एंड हो जाती है या मीटिंग एंड हो जाती है, तो आप लोग में परेशान नहीं होना, मैं आप लोग दोबारा लिंक भेज दूंगी, थ्रू लिंक फिर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ओके। फिर मोनार्कियल वे है, जैसे आप ये देखें कि सिंध में चले जाएं, वहाँ पे क्या साईं का राज है, साईं राज, अदा साईं, अदा साईं। लोग इतने ज़्यादा मानूस होते हैं, लोग इतने ज़्यादा अटैच होते हैं, एक अफिलिएशन होती है कि वो उस अफिलिएशन की बेस पर वोट देते हैं। उनकी अपनी कोई चॉइस ही नहीं होती ना, उनके ऊपर कोई फोर्स, वो फोर्स कोई डालते हैं ना, कोई प्रेशराइज करते हैं, कुछ भी नहीं करते। उनकी मोहब्बत इतनी होती है, अफेक्शन ही इतनी होती है कि वो फिर जो है वो वोट दे देते हैं। वो कहते हैं नहीं जी, है ऐसा दादा साई है, ऐसी इन्हों ही वोट देने, तो इन्हों ही कामयाब करना है। मतलब वो अपना राइट एंड रॉन्ग नहीं देखते, कुछ भी नहीं देखते, वो नहीं देखते कि हमारे हमें कितने बेनिफिट्स मिल रहे हैं, हमें हम किस चीज़ में सफ़र कर रहे हैं, या हम जीते जागते एक इंसान है, और हमारा असल में गवर्नमेंट तो लोगों की है। अगर हम इन्हें वोट देंगे और ये हमारे काम नहीं करते, तो फिर हमें इन्हें वोट नहीं देना चाहिए, इन्हें चूज नहीं करना चाहिए, इलेक्ट नहीं करना चाहिए। बट वो एक मोनार्कियल थिंकिंग होती है उनकी, तो वो दे देते हैं। तो आप लोगों ने ये देखना है कि पाकिस्तान में या थ्रू आउट द कंट्रीज किस में कौन सा एक जो प्रोसेस है पॉलिटिकल, वो चल रहा है, ओके। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, द वे ऑफ डिमांडिंग वोट थ्रू इलेक्शंस, लाइक इलेक्शंस होते हैं, कंपेन्स चलती हैं, सेमिनार्स होते हैं, रैलीज निकलती हैं, मार्च होता है, और इवन लोग घरों में जाते हैं। और अब तो एक न्यू ट्रेंड आया है कि उसमें ये कि लोग जो हैं वो अप्रोच करते हैं डिफरेंट जो ब्रादरीज होती हैं, या लंबड़दार होता है, या कोई कुछ इस तरह से उसको अप्रोच किया जाता है, और फिर सारी जो एक फैमिली का हेड होता है उसके थ्रू जो जितने भी वोट्स होते हैं वो कलेक्ट कर लिए जाते हैं। इवन उनको ये भी नहीं पता होता कि वोट दे किसको रहे हैं, और ये एक फैक्ट है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देखना है कि पाकिस्तान में बच्चे कैसी किस तरह का तरीका है। एंड नेक्स्ट है पॉलिटिकल कल्चर, क्या है कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस अबाउट वोट, लोगों में अवेयरनेस कितनी है कि उनकी वोट की वर्थ क्या है, उन्होंने अपना वोट कहाँ यूटिलाइज करना है। अगर वो ये देख रहे हैं कि हम फलां जो लीडर है वो एक अच्छा है, वो उसकी एक ग्रेट माइंड, एक विजनरी लीडर है, एक रेवोल्यूशनरी लीडर है, और वो फ्यूचर में हमारे काम करेगा, तो अपने वोट को यूटिलाइज करें। अगर वो देखते हैं कि नहीं यार, इट इज़ डम, जो ये हमारा हमारी जो वर्थ है उसको सही यूटिलाइज नहीं होने देगा इन फ्यूचर, तो वो उसको वोट नहीं दे। और लोगों का एटीट्यूड, एटीट्यूड ऑफ पीपल, लोगों का देखा जाता है कि जब कोई पॉलिटिकल लीडर कोई कंपेन करने जाता है या वोट मांगने जाता है, तो लोगों का एटीट्यूड क्या होता है, वो उनको पता भी होता है कि वो लाइक जिस बंदे को वोट दे रहे हैं उसका मैनिफेस्टो क्या है, उसकी पॉलिसी क्या है, वो किस चीज़ के ऊपर बेस करा है, वो हमें हमारे कंट्री को और हमें किस साइड पर लेके जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी बड़ी ज़रूरी है, जिसमें अनफॉर्चुनेटली हम लोग लैक करते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ पॉलिटिकल पार्टीज, ये पता हो। अब मैंने तीन मेंशन किया है क्योंकि यही डोमिनेंट पार्टीज़ है, वैसे देर आर लॉट ऑफ पार्टीज़, PMLN है, PP है, PTI है, इस तरह से अगर इंडिया को ले रहे हो तो वहाँ BJP है, और कांग्रेस है, और RSS है, खैर वो तो एक एक्सट्रीमिस्ट है, और इस तरह बहुत सारी और हैं, फेडरल यूके, अगर USA को ले लो तो वहाँ पे जो है वो वहाँ पर भी फेडरलिस्ट हैं, और दूसरे मेरे स्केप हो गया माइंड से, खैर आप लोग क्लियर कंफर्म कर लीजिएगा, अगर मेरे माइंड में आता है ड्यूरिंग लेक्चर तो मैं आप लोगों को अगेन क्लियर कर दूंगी। तो ये हमारे मेरे पास बच्चे 10 हेडर्स थे, जिसके ज़रिए मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि पॉलिटिकल पैरामीटर क्या होता है, ठीक है। अब आपको समझ आ गई होगी कि जब पॉलिटिकल पैरामीटर के उसे निकालने हैं, पॉइंट्स निकालने हैं, कोई भी ऐसे आप अटेम्प्ट कर रहे हो, तो वो किन किन एरियाज़ को जेन में रख कर निकालने हैं, ये आपके फिंगर टिप्स पर होने चाहिए, ये आपको याद होने चाहिए। लास्ट में मैंने एक और चीज़ भी लिखी है, व्हाट टू डू फॉर गुड एसे,
ठीक है, अगर आपने कोई गवर्नेंस पे, पॉलिटिक्स पे, इससे रिलेटेड कोई ऐसे लिखना है तो उसमें ग्रिप ओवर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, पहली चीज़ है आपको पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पर ग्रिप होनी चाहिए। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बताया है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इस पे बच्चे आपको ग्रिप होनी चाहिए। पाकिस्तान में फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, नेचर ऑफ द स्टेट क्या है, पॉलिटिकल आइडियालॉजी क्या है, उसमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हमारे कौन कौन से हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी वर्किंग क्या है, उनके रोल क्या है, कोर्ट्स क्या कर रही हैं, प्रेसिडेंट का क्या रोल है, प्राइम मिनिस्टर के पास कौन कौन से अख्तियार आते हैं, कैसे हैं, कैबिनेट कौन सी है, नेशनल असेंबली के पास क्या अख्तियार आते हैं, सेनेट, इवन इनकी इनकी जो है स्ट्रेंथ है वो कितनी है, ग्रुप्स कौन कौन से हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे, ये सारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में बच्चे आपका कमांड होना, ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है फॉर गुड एसे। ठीक है, जैसे मैंने ये मेंशन भी नीचे किया, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, नेशनल असेंबली, सेनेट, प्रोविंशियल असेंबली, गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर, सीएम, लोकल बॉडीज़ जो हैं, इन सब के ऊपर बच्चे आपकी ग्रिप होना ज़रूरी है। इसके लिए अगर आप जो है वो एक बुक है, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस बाय मजहर उल हक, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर अबाउट टाइटल, बट आई एम श्योर अबाउट ऑथर, मजहर उल हक की एक किताब है, बड़ी प्यारी है, पॉलिटिक्स पे लिखी हुई है, जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस रखी है उनके लिए बहुत ज़बरदस्त बुक है, एक बेसिक्स बुक है जिसमें वो बेसिक उसने कंसेप्ट बहुत ज़बरदस्त दिए हुए हैं, तो आपको उससे अच्छे कंसेप्ट कहीं नहीं मिल सकते। तो आप लिख लीजिए इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस, आई थिंक सो, बाय मजहर उल हक, येलो सा कलर का उसका एक रैपर है ऊपर से उसकी जो अपियरेंस है, तो वो बड़ी अच्छी बुक है इसके लिए। उसके बाद नेशनल पॉलिसी पे ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान की नेशनल पॉलिसी क्या है, हमारी नेशनल पॉलिसी क्या है, इंडिया की क्या है, अमेरिका की क्या है, चाइना की क्या है, आपने अपना विजन ब्रॉड करना है। फिर हमारी फॉरेन पॉलिसी का बच्चे आपको पता होना चाहिए, फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स चाइना, लाइक जो मैंने 3 स्टेप्स आप लोगों को बताए थे, मैं यहाँ पे इवन वो मेंशन कर देती हूँ कि नेबरिंग कंट्री, स्पेलिंग थोड़े आगे पीछे हो गए हैं लेकिन खैर है, नेबरिंग कंट्रीज, मुस्लिम ब्रदरली कंट्रीज, एंड थर्ड वन मैंने कौन सी लिखवाई थी, सुपर पावर्स, ये इन कंट्रीज का आपको पता होना चाहिए कि हमारी फॉरेन पॉलिसी। ओहो, ये भी पावर्स की स्पेलिंग भी गलत, ओके ठीक है, तो ये आप कर लीजिए, इस कंटेक्स्ट में करने हैं आप लोगों ने। ठीक है, मैं इसका थोड़ा फॉन्ट छोटा कर दूं, क्लियर। तो ये यहाँ पे हमारा पॉलिटिकल जो मैटर था, पॉलिटिकल सॉरी पैरामीटर था, वो ख़त्म हो गया। अब आपके कोई क्वेश्चन है, कोई एम्बिग्यूटी है, किसी किस्म का कोई डाउट है, कोई पॉइंट समझ नहीं आया, तो काइंडली वन बाय वन मेरे से पूछिए, मैं क्लियर कर देती हूँ। ठीक है,